तो आज हम बात करने वाले हैं सीईटी के एग्जाम की। सीईटी के एग्जाम के अंदर टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं और उनका एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, मतलब कि टोटल पेपर होता है 300 नंबर का, ठीक है। तो इसके बीच में आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, और जो इसका सिलेबस है, जिसके बीच में सबसे पहला क्या है, सबसे पहला जो है सिलेबस के अंदर पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ भारत और राजस्थान का इतिहास, मतलब कि जो कांग्रेस का आंदोलन हुआ था या जो भी राष्ट्र के अंदर आंदोलन हुए थे उस पे, उसके अंदर भारत से रिलेटेड और राजस्थान से रिलेटेड जितना भी इतिहास बनता है उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, जिसके बीच में जैसे 1857 की क्रांति आ गई, प्रजामंडल आ गया, किसान आंदोलन आ गया, तो ये सारे क्वेश्चन किसके अंदर आएंगे, आपके जो पहला पॉइंट है उसके बीच में। उसके बाद में आता है राजस्थान का इतिहास, कला व संस्कृति, साहित्य परंपरा और विरासत, मतलब कि जितनी भी सभ्यताएं हैं, बुक्स हैं, या फिर अपने ये कह सकते हैं कि जितने भी इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, मेले त्योहार रीति रिवाज सारा का सारी जितनी भी राजस्थान की जीके बनती है, कल्चर से रिलेटेड और हिस्ट्री से रिलेटेड वो सारी चीजें इसमें आने वाली है। उसके बाद में आता है इंडियन जीके, तो इंडियन जीके के अंदर इंडियन जियोग्राफी यहाँ पे कंप्लीट बताई गई है। इंडियन जियोग्राफी में जैसे भौतिक प्रदेश हो गए, खनिज हो गए, फसलें होगी और ऊर्जा के संसाधन इसमें ऐड किए गए हैं। राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान की जियोग्राफी में एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा गया, सारे के सारे टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। उसके बाद में जो अगला हमारा पॉइंट रहने वाला है वो है राजनीतिक व्यवस्था, मतलब पॉलिटिकल से रिलेटेड सारा का सारा मैटर ऐड किया गया है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया पॉलिटिकल के अंदर भी। उसके बाद में है इंडियन इकोनॉमिक्स, तो भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जितना भी बजट है, उद्योग के सेक्टर में, सेवा के सेक्टर में, या अपने शिक्षा के सेक्टर में कह सकते हैं, सारी योजनाएं इसके बीच में शामिल की गई हैं। उसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, पहले तो है इंडिया की अर्थव्यवस्था, फिर है राजस्थान की अर्थव्यवस्था पे क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके अलावा कुछ साइंस के क्वेश्चन भी आएंगे, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन भी आने वाले हैं, और फिर सामान्य हिंदी के क्वेश्चन और आपके इंग्लिश के क्वेश्चन भी इसके बीच में देखने को मिल रहे हैं, फिर आपका कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आएंगे, समसामयिक घटनाएं मतलब कि करंट के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जिसके बीच में खेल खेलकूद से रिलेटेड और जो भी चर्चित स्थान है और जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति रहने वाले हैं वो सारे के सारे इसके बीच में पूछे गए हैं। पहले इसमें कहा गया था कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी, बट अब नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया। तो आपको पता लग गया है कि सीईटी के एग्जाम के अंदर आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी और रीजनिंग के क्वेश्चंस, इसके अलावा राजस्थान की कंप्लीट जीके, इंडिया की कंप्लीट जीके, इकोनॉमिक्स के साथ आपको पढ़नी ही पड़ेगी। उसके अलावा कंप्यूटर को भी इन्होंने शामिल किया। तो यहाँ पे आपके सामने कंप्लीट सिलेबस बता दिया गया है, और 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के, और 3 घंटे का आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।